यहाँ पर ये स्क्वायर में फैब्रिक को कट करके ले लिया है। इसका मेजरमेंट 22x22 का है। आप अपने कुशन के हिसाब से फैब्रिक ले सकते हो। चूंकि इस पर हम एम्ब्रॉयडरी करने वाले हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ कलरफुल एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लिया है और ये मेरे पास एम्ब्रॉयडरी हुक है, तो इसे सबसे पहले हम इसमें लगा लेंगे, ये जो इस तरीके से, और ये जो स्क्रू वाला पीस है इसको हम ऊपर के साइड रखेंगे और इसको हम स्क्रू से थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इस पर लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एम्ब्रॉयडरी हुक को लगा लिया है और अब ये मेरे पास कुछ राउंड मिरर हैं, आप देख सकते हो ये मीडियम साइज़ के हैं, तो इसे जहाँ पे मुझे प्लेस करना है वहाँ पे इस तरीके से रखूँगी और इसके चारों साइड यहाँ पर मैंने निडल में एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को लगा लिया है। और अब हमें क्या करना है, नीचे के साइड से हम निडल को पास करेंगे इस तरीके से और एक बाउंड्री क्रिएट करेंगे इस मिरर के अराउंड इस तरीके से। आपको थ्रेड को मिरर के ऊपर से ही ले जाना है, तो इस तरीके से चारों साइड से मैं बाउंड्री क्रिएट कर लूँगी। ये हमें 2 times रिपीट करना है ताकि मिरर अच्छे से थ्रेड के थ्रू फंस जाए। मैंने आपके साथ बहुत सारे कुशन के DIY शेयर किए हैं, पर इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी कुशन कवर मैं फर्स्ट टाइम आपके साथ ट्राई कर रही हूँ। ये मेरा भी पहला ही एक्सपीरियंस है, तो बनने के बाद आप बताना कि ये कैसा लग रहा है। मिरर को लगाने के कई सारे तरीके हैं, बट यहाँ पर जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर के साइड से हमें निडल को पास करना है इस तरीके से और इसके अराउंड हम एक बास्केट जैसा बना लेंगे। यहाँ पर मैं इसे फ्लावर पैटर्न देने वाली हूँ, तो अभी हमें क्या करना है, इस तरीके से निडल का जो टिप है उस पर हम 4 times इस तरीके से थ्रेड को रैप कर लेंगे और अब इस तरीके से फैब्रिक में इंसर्ट करेंगे और बैक साइड से इसे निकाल लेंगे इस तरीके से। इसी तरीके से वापस से रिपीट करना है। निडल को मैं नीचे के साइड से पास करूँगी और फिर ये जो बाउंड्री क्रिएट की है उसके साइड से हमें थ्रेड को निडल को पास करना है ताकि एक बास्केट जैसा बन जाए और फिर इस तरीके से 4 times हम निडल के टिप पर इसको रैप कर लेंगे और फिर इसको इस तरीके से हम पास करेंगे, नीचे के साइड से निडल को निकाल लेंगे, तो इस तरीके से एक फ्लावर का शेप आ जाएगा। आप बस इसको ध्यान से देखना क्योंकि मैं अगर बोलूँगी तो बोलने से ज़्यादा ये आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि मैं कैसे कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कोशिश करती हूँ कि आपके साथ डिफरेंट टाइप के DIY शेयर कर सकूँ। तो आप भी बताना कि आपको ये एम्ब्रॉयडरी वाला कुशन कवर कैसा लगा। इसी तरीके से ये प्रोसेस को रिपीट करते जाना है। आपको बस ध्यान रखना है कि थ्रेड को अच्छे से रैप करना है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से रैप नहीं करोगे तो बाद में मिरर निकल भी सकता है। ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ, इस तरीके से जो बाउंड्री हमने बनाई है उसके अंदर से हमको निडल को इंसर्ट करना है और इस तरीके से निकाल लेना है, ये प्रोसेस मस्ट है क्योंकि यही हमारे मिरर को स्टेबल बनाएगा। तो इस तरीके से मैं इसे फ्लावर के पैटर्न में रेडी कर लूँगी। इसे बनाना बहुत ईजी, मुझे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी तो नहीं आती है, बट मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ मैं नए नए एम्ब्रॉयडरी के वीडियो शेयर करूँ। यहाँ पर इसे बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि आपकी सारे जो लाइन्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर हों और इक्वल साइज़ की हों। ऐसा ना हो कि कहीं पर लाइन छोटी और कहीं पे बड़ी हो, अगर वैसा बनेगा तो फिर ये गंदा लगेगा। तो आपको लाइन का ध्यान रखना है और डिस्टेंस का ध्यान रखना है। और मैं यहाँ पर सारे लाइट कलर का ही यूज़ करूँगी, तो आप जिस भी फैब्रिक पर बनाएं आप अपने फैब्रिक के अकॉर्डिंग ही कलर चूज़ करें, क्योंकि ये डार्क कलर का फैब्रिक है तो मैं यहाँ पर ब्लू कलर तो बिल्कुल भी यूज़ करने वाली नहीं हूँ क्योंकि वो इसके साथ मर्ज हो जाए। पिंक कलर के बाद अब मैं यहाँ पर येलो कलर का यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से डिफरेंट कलर से मैं इसे बना लूँगी। आप चाहो तो आप इसके लिए एक सीक्वेंस में भी इस तरीके से फ्लावर बना सकते हो, या मैं तो इसको स्कैटर फॉर्म में बनाऊंगी, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप ऐसा बना सकते हो। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सारी फ्लावर बना लिए हैं। पहले मैं सोच रही थी कि इसे स्कैटर फॉर्म में बनाऊंगी, बट इधर मैंने सीक्वेंस में बनाया, 3 flowers एक साइड है और 3 flowers एक साइड है। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये पिंक कलर की लेस है, तो मैं इसके चारों साइड इसे अटैच करूँगी। आप किसी भी कलर की लेस का यूज़ कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर जो फ्लावर है वो मल्टी कलर में है, तो आप किसी भी टाइप की लेस का यहाँ यूज़ कर सकते हो। डार्क कलर को अवॉइड करना क्योंकि वो इसके साथ अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से चारों साइड मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने चारों साइड से लेस को अटैच कर दिया है। लेस को आपको बैक साइड से ही लगाना है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ताकि जब हम बैक साइड वाले फैब्रिक को इसके साथ अटैच करें तो फिनिशिंग आए हमारी सिलाई में
इस तरीके से मैंने बैक साइड वाले फैब्रिक को कट कर लिया है और चारों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने दो फैब्रिक को कट किया है और अब मैं इस तरीके से इसे अटैच कर दूंगी, चारों साइड से सिलाई कर लूँगी। यहाँ पर बैक साइड के फैब्रिक को मैंने अटैच कर लिया है और मैं यहाँ पर कोई बटन या वेलक्रो नहीं लगाऊंगी, इसको मैं ओपन ही रखूँगी। इस तरीके से ये फ्रंट साइड से आ रहा है, तो अब इसे कुशन में लगा कर देखते हैं कैसा लग रहा है। तो हमारे कुशन कवर का फाइनल लुक ऐसा आ रहा है। तरीके से मैंने यहाँ पर दो कुशन कवर रेडी किए हैं, एक में मैंने फ्लावर का पैटर्न स्कैटर्ड फॉर्म में रखा है और दूसरे में सीक्वेंस में रखा है, तीन तीन के सीक्वेंस फॉलो किए हैं। तो आपको ये DIY कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय।